हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करना वन प्लस के मोबाइल में डेटा यूसेज जो होता है उसको आप कैसे सेट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो किसी को हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करते हो, इंटरनेट वगैरह शेयर करते हो, तो आप कितना चाहते हो कि उसको यूज़ हो वो करे हमारा, कितना नहीं करे, कितना लिमिट लगाना चाहते हो, कितने डिवाइस के साथ वो कनेक्ट करे, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, ये कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन प्लस का डिवाइस का आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो मैं ये सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। और तो मैंने ये यहाँ पे रख लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेटिंग को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो देखने को मिलेगा इंटरनेट, आपको इस पर क्लिक करना है, या तो आप नीचे यहाँ पे हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिखेगा वो उधर उधर करके देख लीजिएगा और इसको प्रेस करके रखना है। और यहाँ से मोर वाले ऑप्शन या फिर डिटेल में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे पासवर्ड दिखेगा, तो यहाँ से आप QR कोड्स को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ऑटोमेटिकली कनेक्शन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेज वाले कनेक्शन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेटा यूजेस में आप शेयर कर सकते हैं, जैसे 10 GB है या कितना GB आप शेयर करना चाहते, लिमिट लगाना चाहते, तो यहाँ से आप अपना एडिट करके लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं अगर कोई अपना कनेक्ट कर नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। और यहाँ से ब्लूटूथ शेयरिंग भी ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो ब्लूटूथ के द्वारा भी इंटरनेट वगैरह शेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ हो गया। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।